रात भर नज़र मिलाओ बबुआन से। जी हाँ, जिसकी शूटिंग इन दिनों बिहार में चल रही है। और ये देख लीजिए पवन सिंह का कहर ढाने वाला लुक, जो कि किसी पर भी कहर ढाने के लिए काफ़ी है। पवन सिंह का ये लुक आपको बता देगा कि कौन से तेवर में है पवन सिंह। भाई मानना पड़ेगा कि हर एक गाने में एक नया लुक सिर्फ पवन सिंह ला सकते हैं। 9 गाने आ रहे हैं उनके और 9 गाने में अलग अलग लुक, ये काफ़ी चैलेंजिंग रहा है पवन सिंह के लिए। वैसे चलिए नज़र मिलाओ बबुआन की बात कर लेते हैं, जो इन दिनों शूट बिहार में हो रहा है। क्या आपने गौर किया कि इस गाने में संजय दत्त वाला लुक अपनाया है पवन सिंह ने? जी हाँ, पवन सिंह इस लुक में काफ़ी बेहतरीन लग रहे हैं और ये लुक काफ़ी उन पे फब भी रहा है। देख लीजिए वो किस तरह से अपनी गन को रख रहे हैं, किस तरह से बैठ रहे हैं, किस तरह की ज्वेलरी पहन कर रखे हैं। ये सारा लुक संजय दत्त की फिल्म वास्तव से काफ़ी इंस्पायर है। साथ ही पवन सिंह के माथे का तिलक कुछ अलग ही स्टोरी बयां करता है। वैसे भी पवन सिंह अपने लुक के लिए हमेशा जाने जाते हैं, फिर वो चाहे धड़कन फिल्म धड़कन का लुक रहा हो, फिर वो चाहे सत्या का लुक रहा हो, फिर चाहे माँ तुझे सलाम का लुक रहा हो, या फिर उनके आने वाले बैक टू बैक सारे एल्बमों का लुक। जी हाँ, आप देखेंगे 8 गाने जो उनके आ रहे हैं, 8ों में एक अलग लुक। आपने देखा ही होगा कि उनके गाने घंटा फर्क पड़ता में भी है, उनका लुक काफ़ी गजब का है पोस्टर में। अब आपको हमें ये बताना है कि आपको पवन सिंह का कौन सा लुक और उनके कौन से गाने का इंतज़ार सबसे ज़्यादा है, और उनका कौन सा लुक आपको बहुत पसंद है। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।